बाबूपुरवा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। 1 अगस्त को कचहरी तारीख पर गया युवक 3 दिन से घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। बाबूपुरवा निवासी आफताब आलम का पुत्र इजमाम आलम 1 अगस्त को कचहरी कानपुर नगर मुकदमे की तारीख पर गया हुआ था, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटा। आफताब आलम ने बेटे की गुमशुदगी हेतु थाना बाबूपुरवा में शिकायत की है। आफताब आलम ने आज पुलिस आयुक्त कानपुर नगर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पोर्टल पर प्रार्थना पत्र भेजकर 3 दिन से लापता बेटे की अपहरण की आशंका जताते हुए FIR दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित आफताब आलम का कहना है कि किसी ने मेरे बेटे का अपहरण तो नहीं कर लिया है। अपहरण की आशंका जताते हुए पूरा परिवार बहुत ही डरा हुआ है। क्या नाम है आपका? आफताब आलम। क्या मामला है यार? लड़का तारीख पर गया था 3 दिन पहले, अभी तक वापस नहीं आया घर में। आपने थाने में एप्लीकेशन दिया है? एक थाने में एप्लीकेशन दे चुके हैं। आपको क्या आशंका है कि क्या अपहरण तो नहीं किया गया, क्या है? हमें आशंका है कि मेरा लड़का अभी तक नहीं मिला, किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया है। तो आपने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजा है? हाँ, हमने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेज दिया है और अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि मेरे प्रार्थना पत्र स्वीकार करें और जल्दी से जल्द मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दें। JV हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।